नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। गांव के बहुत सारे लोग आए हुए हैं और सभी गांव के लोगों के सामने जो है इस भैंस का जो है हम लोग मिल्क रिकॉर्ड करेंगे। मॉर्निंग का समय है तो जानेंगे कि इस भैंस ने जो है किसका जो है कितना दूध है। अगर हम ब्रीड पर कार्य नहीं करेंगे तो हम अच्छा जो है दूध का उत्पादन नहीं ले सकते हैं। वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, या पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। ब्रह्मदेव यादव, गाँव ग्राम भटियारी, पोस्ट करमदेवा, जिला गोरखपुर। सूर्य दास जी, ग्राम सभा भटियारी, पोस्ट करमदेवा जी। जी, ऐसी गाँव का मंदिर, हनुमान मंदिर जी, वहाँ के महंत है। राजकुमार सिरुआ पार। इंद्रदेव। जयराम गुप्ता जी, ग्राम बनायता। महेंद्र यादव। हाँ। गांव सतहरा मोहन। बगल के गांव के हैं आप? लालधारी नाम है गांव। ग्राम भटियारी। सुनदेव यादव जी। गांव भटियारी। भटियारी मुन्ना विश्वकर्मा, ग्राम भटियारी, इसी गांव से हैं। आप सभी लोग इसी गांव जी? सर मेरा गांव भटियारी है जी। ये जिला गोरखपुर के अंदर है जी। और खजनी तहसील है, खजनी ब्लॉक है जी, थाना सिकरीगंज है। सर हम तो बचपन से ही हैं। तो चलिए इस भैंस का जो है हम लाइव मिल्किंग देखेंगे। इस भैंस ने जो है कितना, आप देख सकते हैं। बाल्टी एक बार दिखा दीजिए भैया। सर वही दूध वाली बाल्टी है। तो फर्स्ट जो भैंस का दूध निकाला गया था वही बाल्टी है। अब बाल्टी बिल्कुल खाली है। यह भैंस सेल के लिए उपलब्ध नहीं है। वीडियो बनाने का मकसद किसानों को जागरूक करना है। अगर हम इस तरह ब्रीड पर काम करेंगे तो हमारे पास एक अच्छा पशुधन तैयार होगा। अच्छा पशुधन तैयार होगा जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा, हमारी आमदनी भी बढ़ेगा और एक डेयरी फार्म को अच्छे से सुचारू रूप से लंबे समय तक चलाया जा सकता है। और इस तरह उत्तर प्रदेश में भी लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और ब्रीड पर कार्य कर रहे हैं। और जो सीमन होता है अच्छी नस्ल का, उसका ज़्यादा कॉस्ट में अंतर नहीं आता है, बहुत मामूली अंतर होता है। और इस तरह अगर हम सीमन सही यूज करेंगे, अच्छी नस्ल का सीमन का यूज करेंगे तो जो हमारे पास पशुधन आएंगे, जो बच्चे आएंगे वो अच्छे नस्ल के आएंगे। हम साधारण जो हमारे घर में भैंस होती है उस पर भी जो है हम अच्छे सीमन का यूज कर सकते हैं और उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। पंजाब हरियाणा में इसी तरह का कार्य होता है कि छोटे से छोटे किसान भी अपने पशुओं को अच्छा सीमन का यूज करते हैं जिससे वहाँ पर अच्छे पशुधन तैयार होते हैं और अच्छी दूध देने वाली गाय और भैंस तैयार होती है। इस तरह उत्तर प्रदेश में भी कुछ जिलों में छोटे छोटे जो किसान हैं वो भी जो है ब्रीड पर कार्य कर रहे हैं, उनके पास अच्छे नस्ल के पशुधन तैयार हो रहे हैं और जो है किसानों को इस कार्य में जुड़ना चाहिए और ब्रीड पर कार्य करके अपने पास एक अच्छा पशुधन तैयार करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं पीछे से इस भैंस के अर्डर की बनावट देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बाल्टी जो है फर्स्ट जो लगाया गया था, बाल्टी जो है बिल्कुल भर गया है। इस बाल्टी को साइड में रखवा दिया गया है और दूसरी बाल्टी में दूध निकाला जा रहा है। और यह किसान जो है बहुत छोटे किसान हैं, छोटे पशुपालक हैं, अपने पास अच्छी अच्छी नस्ल की जो है भैंस रखे हुए हैं। और जब तक आपके पास नस्ल अच्छा नहीं होगा तब तक दूध उत्पादन नहीं बढ़ेगा। और जब तक दूध उत्पादन नहीं बढ़ेगा तब तक आपको डेयरी में प्रॉफिट नहीं होगा। तो इस तरह उत्तर प्रदेश में भी लोग छोटे छोटे जो किसान हैं जागरूक हो रहे हैं और अपने पशुओं को अच्छा सीमन का उपयोग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी शांत स्वभाव की ये भैंस है और गांव के कुछ सम्मानित लोग भी आए हुए हैं। और गांव में या आसपास के गाँव में अगर किसी को समस्या होती है तो ये पशुपालक उनको सलाह देते हैं। और यह छोटे से जो पशुपालक हैं लोगों को जागरूक भी करते हैं और ब्रीड के बारे में बताते भी हैं। तो चलिए इस दूध को हम मापते हैं। वेइंग मशीन नहीं मिल पाया तो हम लोग लीटर से ही काम चलाएंगे और देखेंगे कि इस भैंस ने कितना दूध निकाला है, एक अंदाज लग जाएगा।
और कमेंट करके इस किसान को प्रोत्साहित जरूर कीजिएगा ताकि और पशुपालक इस कार्य में लगे और अपने जिले का नाम, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ ए भैया ए बुआ भैंसिया को जरा दो दस दस मान करके चलिए क्या दस यानी कि इस भैंस ने जो है 10 लीटर जो है सुबह का मिल्क रिकॉर्ड बनाया है।